मतलब वहां पे ना बहुत सारे लोग खड़े थे एंड पीछे फिर एक पुलिस की गाड़ी गई। आई थिंक ही डिडंट सर्वाइव। मस्त धूप आई हुई है भाई आज तो। हाँ जबर भैया, चलो कर लो पैकिंग, क्योंकि थंबनेल देखे तो आप समझ गए हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो कल रात में ड्रोन वन चार्ज पे लगा दिया था, लैपटॉप वैपटॉप चार्ज है, ड्रोन चार्ज है, बस बैग पैक नहीं है। तो अभी सब कपड़े निकाल के थोड़े कपड़े इसमें रख के बाकी फैला दो। तो जी मोर और लेस हमारी सारी पैकिंग तो हो गई है। मैंने शूज़, स्नो बूट्स और कुछ गर्म कपड़े मतलब टोपी वोपी इस बैग में डाल दिया है। इस बैग को ऐसे ही रखेंगे, लाइट रखेंगे, क्योंकि इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। ये बैग अपना प्राइमरी रहेगा, इसमें अपना सारा मेडिकल का सामान और ये अपना टॉयलेटरीज वगैरह इसमें रहेगा। तो इसको ऊपर लेके जाएंगे, ये अपना गाड़ी में पड़ा रहेगा। नीचे से ना सारी गाड़ी का अरेंजमेंट करके आया मैं। हाँ, तो गाड़ी भी ना घुसा के अंदर सही से लगानी थी, तो सबसे अंदर थार लगा दी, उसके बाद वेन्यू, और ये गाड़ी निकल जाएगी, इसके जगह पे बेलेनो आ जाएगी। बाकी थोड़ा सा सामान इसमें रिकवरी वगैरह वाला रख दिया। देख रहे हो चमक रही है, क्या जबरदस्त चमक रही है ना भाई। ब्लैक को अगर बहुत ज़्यादा प्यार दोगे ना, फिर तो ब्लैक लो, अदरवाइज ब्लैक लेने का कोई फ़ायदा नहीं है यार। दो सबसे ज़रूरी काम है, वो है एक फास्ट टैग और एक है ये डैश कैम। तो इसकी फिटिंग यहाँ पे कर देते, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। फिलहाल टाइम कितना हो रहा है, 3:30 बज रहे हैं और अपने को अप्रॉक्सीमेटली 4:30 बजे तक निकल जाना है। ये सारी चीजें तो मैंने कर ली, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट काम नहीं किया, वो है अपना होटल बुक। और जी अपने ट्रैवल के दौरान अपने होटल, फ्लाइट, इवन ट्रेन टिकट्स बुक करने के लिए मैं यूज करता हूँ वीगो। तो अभी वीगो पे जाके होटल सर्च करते हैं, यहाँ पे अपना डेस्टिनेशन डालते हैं, डेस्टिनेशन डालने के बाद होटल सर्च करते हैं। वीगो मेरे को मल्टीपल साइट्स को कंपेयर करके होटल के बेस्ट रेट देता है। तो यहां पे जो भी होटल मेरे को पसंद आ रहा है उसको सेलेक्ट करते हैं। और यहां पे आप देख सकते हो कि होटल तो सिमिलर है, बट अलग अलग साइट पे अलग अलग रेट है। जो अपना चीपेस्ट है उससे बुक कर देते हैं। वीगो मेरे को वहां पे रीडायरेक्ट करेगा, वहां से जाके कर लेता हूं मैं अपनी बुकिंग। एग्जैक्टली सेम चीज होता है जब मैं फ्लाइट टिकट्स बुक करता हूं, तो वीगो से आप अपने होटल, फ्लाइट, इवन ट्रेन टिकट्स बुक कर सकते हो। वीगो अगर आप ऑलरेडी यूज कर रहे हो तो अपने ऐप को अपडेट करना मत भूलना। मैं वीगो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं। अपने ट्रैवल के दौरान दो पैसे बचे तो क्या माड़ा है। अब यहां से भाग लो, लाइट ऑफ कर देने तो गाली खाऊंगा। सारे लाइट ऑफ। हाँ चलो भैया हिमाचल की तरफ। ये देखो कैसे छुप छुप के देख रही है ना। हाँ स्कूबी चल, बाय 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 पापा, बाय माँ। नहीं नहीं गाड़ी के अंदर नहीं, गाड़ी के अंदर नहीं, पागल है क्या। हाँ बैठ जाओ। नहीं 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 नहीं, 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 नहीं अरे पापा कह रहे हो बैठ जाओ। पापा इसको इसको देखिएगा ना, गाड़ी के नीचे नहीं, इधर उधर कूद रही है ना। फाइनली न्यू ईयर वाला इस साल का लास्ट ट्रिप स्टार्ट हो रहा है, तो बोलो श्री अंबे मात की जय। अभी दूसरे पार्टनर को पिक करना है ना, सबसे पहले यहाँ से पानी उठाना है। कोचम कोच इनर विनर पहन लिया है ना अंदर। हाँ लेयर के ऊपर लेयर जो बिठा लिया है, गाड़ी में गर्मी लगने लगा। अभी घर से निकले नहीं है, गाड़ी में गर्मी लगने लगा। ये अपना दूसरा साथी यहाँ पे इंतजार कर रहा है, परम। हाँ या हो सकता है यहाँ भी इंतजार कर रहा हो। हाँ उसका तो अड्डा का पता नहीं है ना। और हमारे साथ जुड़ चुके परम द ग्रेट जो कि च्यवनप्राश और पता नहीं क्या क्या लेके। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। हाँ भाई ये तो हमारा रिचुअल है ना, लुटुकाई की कॉफी भाई डालो। भाई यहाँ से आ रहा है 640 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 13 घंटे लगेंगे। तो फिर से एक बार जयकारा लगा दें, बोलो श्री अंबे मात की जय जय। भाई डीजल आ गया हमारा 74.44, मतलब 6700 रुपीज का डीजल आ गया। चलो भैया आके मिलेंगे नया साल में, ठीक है। ओके ख्याल रखना भैया अपना। तुमने गाड़ी में क्या किया भाई। भाई मैंने ना लेमन ग्रास वाला भूटान से जो परफ्यूम ले गया था वो 2-3 बार मार दिया। ओ भाई जहर फैल गया, जहर फैल गया भाई। और ऊपर से कैफीन पी रहे, लगा यही मूर्छित हो जाएंगे। मूर्छित सांस नहीं ले जा रही यार, मूर्छित हो जाएंगे, मूर्छित। सब खोद के बराबर कर दो, अंदर से माल निकाल लो सब। अब जाने के लिए ना हम दिल्ली होके भी जा सकते थे, बट अपन ने KMP वाला रास्ता इसलिए लिया, एक तो थोड़ा लंबा है मतलब, लेकिन हाईवे हाईवे है भाई। तो यहाँ से ना जो जाम मिला आपने देखा ना, वो सिर्फ गुड़गांव का छोटा सा एक पार्ट था। अगर दिल्ली जाते ना तो पूरे 2-3 घंटे ना अपने इसी जाम में निकल जाते। यार परम कितना सिगरेट पी रहा है यार। नहीं नहीं एक्चुअली फॉग आ गया भाई, मैं परम को ऐसे छेड़ता रहता, तो सीरियस मत लेना परम, सुट्टा उट्टा। यार तूने सिगरेट बंद कर दी। हाँ हाँ विकास भाई, विकास भाई धुंधला सा लगे जहाँ फिर ना जाए
इतना तेज गाना बज रहा है ना, बाकी यहाँ पे देखो यहाँ दो फॉर्च्यूनर, तीसरी फॉर्च्यूनर मतलब लेजेंडर, और यहाँ एक और फॉर्च्यूनर, ये पूरा फॉर्च्यूनर के लिए। और कॉपीराइट ला दो ना, ला दो, हाँ भिकमंगा बना दो मेरे को। अब इतना और तेज बजाओ साला, कान फाड़ दो ना मेरा, कान बोला मैंने कान। ऐसा लग रहा था ना कि बहरा बहरा करने का पूरा ठीका ले रखा है ना, बहुत लाउड है, बहुत ज्यादा लाउड है यार, बहुत भैया इतना तेज गाना बज रहा है बाहर, भैया ये कह रहे बहुत। परम ने पूछा किसी से कि एग्जैक्टली इतना तेज गाना क्यों बज रहा है, तो भैया ने बताया कि भाई जो गाना बजा रहे हो वो पी लिया है, अब उसको तेज सुनने का मन कर रहा है। हमने कहा ये भी सही है, इंजॉय कर रहा है बेचारा। टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 9 बज गया, तो यहाँ पे अपना सबवे बनवा रहे हैं, एक एक सबवे खा के निकल लेंगे। हाँ। भाई ओटमील कुकी, ओटमील कुकी ये खाना है, ये एक दो रख भी लेंगे भाई, मजा है भाई, भूख लगी है ना बहुत, तोड़ भूख लगी है भाई। देख रहे हो कितना तेज गाना है, गाड़ी के शीशे चढ़े हुए तब भी गाने की आवाज आ रही है भाई। यहाँ पे ना कंपटीशन चल रहा है, ठीक है, वो मेला सबवे ने अपना अलग बजा रखा है, अंदर जो वो है खाने पीने का उसने अलग बजा रखा है, बरिस्ता ने अपना सब सब फाट बजा रखा है। हैप्पी न्यू ईयर भैया, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। सब पार्टी कर रहे हैं, हमने कैपेचिनो ले लिया और एक हॉट चॉकलेट ले लिया है, और गाड़ी की कमान अब हमारे हाथ में आ गई, आराम आराम से, आराम आराम से, आराम से भैया, आराम आराम से चलेंगे, हमें बहुत जल्दी नहीं है, बहुत से कम जल्दी है। कौन सा? अरे गुरु यहाँ पे ये, हाँ गुरु तुम भी एकदम गाड़ी चला रहे एकदम रापचिक रापचिक। भाई अम्बाला पहुंच गए, मैं तो थोड़ी देर सो गया था, इसका ना विंडो शेड सताना है, क्योंकि इसके आगे ना थोड़ी देर में हम पंजाब इंटर हो जाएंगे और फिर विंडो शेड्स की वजह से ना चलान कटेगा, तो हम नहीं चाहते कि भैया हमारा कटे चलान, और चिपका लो ना, उधर पूरा रोड खाली, लेकिन साला इधर ही चलेंगे। जरूरी था भाई तेरा सोना, बहुत जरूरी था यार तेरा सोना। हाँ हाँ तो दिख ही नहीं रहा भाई, दिखाओ कैसे नहीं दिखेंगे, दिख रहे हल्का हल्का से जो फॉग था ना, मतलब पहले नहीं था अभी आ गया। आ रहा है धीरे धीरे करके, माहौल बना रहा है फॉग भी, माहौल बना रहा है कि आऊंगा मैं आऊंगा। अभी तो ठीक है यार, कितना सा देखो साला कैमरा रिकॉर्ड कर रहे ना, तो साला तुरंत चला गया यार, बहुत बदतमीज आदमी है। यहाँ पे होगा ड्राइवर का आदान प्रदान। हाँ परम बहुत देर से गाड़ी चला रहा था। अरे भैया तुम कहाँ लगाए हो बे, अभी तो एक पैर नीचे जाता है सीधे भितरामपुर। हाँ टायर काटी वटी भाई, देख के आना लाइट जला ले, देखो कहाँ लगाया है। हाँ भाई मैं कह रहा हूँ कि भाई ये टूट जाएगा, टूट जाएगा, कह रहे हैं अरे तुम चलो बे, टूटेगा तो देखा जाएगा तुम्हारा पैर या फिर स्लैब। बहुत तेज ठंड है भाई, बहुत तेज, 8 डिग्री तो दिखा रहा है। हाँ भाई देख के ध्यान से भाई, भितरामपुर चले जाओगे सीधे नीचे है, नहाने के लिए पानी भी नहीं मिलेगा। और तेज चलाओ ना भैया, धीरे काहे चल रहे हैं, आज देख रहे हो कितना तेज करके ओवरटेक कर रहा है। चलो भैया यहाँ से चलाएंगे हम। देखो सामने टोल है, मतलब बहुत दूर में, अभी 3x किया मैंने तब दिख रहा है, 1x पे तो ऐसा दिख रहा है कि भैया गाड़ी धीरे हो गई, टोल आ रहा है। हाँ और ये लो बीम है भाई, देख लो पहले 13 का एवरेज आ रहा है और लो बीम पे हम, टोल ही नहीं दिख रहा था थोड़ी दूर पहले तक। तो यहाँ टोल के पास रुके थे, इतना पानी पी रहे ना कि इतनी तेज तेज सूसू आ रही है। यहाँ दिखाते हैं आपको, ये देख रहे हो ना? इसमें छोटे ड्रॉपलेट्स देखो। चले बाबा चलो, ठीक हो? तुम तो सो रहे थे ना। अरे कहाँ सो पाए यार, मैं कह रहा हूँ फॉग में सो जाओ कह रहा है, अरे पता तो चले के कैसे गए। अरे भाई क्या बोल रहा है यार। भाई तगड़ा फॉग है भाई, पता तुम आराम से चलाओ ना यार भाई, 40 से नीचे, सॉरी 50 से नीचे क्या चले भाई, तो 20 पे चला लो, गाड़ी रोक के धक्का ही देने लगते हैं। अब तो ट्रक को आगे निकल जाने दो, तुम उसके ट्रक, अरे तो निकल नहीं रहा वो मेरे पीछे, हम उसके पीछे जाने की कोशिश कर रहे, तो जाओ ना भाई जाओ ना, तुम आगे जाओ, देखो नहीं जा रहा है, नहीं नहीं जा रहा, जा रहा जा रहा जा रहा जा रहा जा रहा, गाड़ी के पीछे सफेद लाइन को फॉलो करो।
सारी गाड़ियां ना एक दूसरे के पीछे चलने की कोशिश कर रही है, फिर किसी गाड़ी वाले को ऐसा लग रहा है ना भाई मेरा कट रहा है, तो तुरंत साइड करके ना धीरे कर दे रहा है। तब से यही गेम चल रहा है भाई, यही गेम चल रहा है। और जो एक्सट्रीमली धीरे चल रहा है, जैसे ये डंपर एक्सट्रीमली जो धीरे चल रहा है ना, तो उसको सब ओवरटेक कर ले रहे हैं, ये चल रहा है भाई। सामने दिख गया अपना दूसरा अड्डा, यहाँ पे रुकेंगे। परम तो अभी सो रहा है, तो परम को सोने देंगे, गाड़ी ऑफ भी कर देंगे तो गर्मी तो लगेगी नहीं एनीवेज। तो इधर गाड़ी घुमा के लगाते हैं, सामने चलते हैं, एक कॉफी उठाते हैं और फिर यहाँ से बगलो। तुम्हें जान अबे इतनी देर क्या साला, कॉफी मशीन के अंदर हम थोड़ी ना बैठ के बनाएंगे, भैया को टाइम लग गया तो लग गया। भाई इसने गेट खोला, गाड़ी पूरी बजने लगी। ये क्या है यार? ये नील गाय है भाई। नील गाय? हाँ 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 भाई, बहुत भैया इधर देख रही है, ये नील गाय नहीं है, नील गाय नहीं है तो हिरन होगा भाई। ये क्या है भाई? ये वैसे नील गाय नहीं यार, ये नील गाय भाई, नील पता नहीं क्या है, सांबर डियर तो नहीं आ गया, पता नहीं क्या है भाई। हिमाचल देवभूमि में आपका स्वागत है। हिमाचल एंटर कर चुके हैं अपन, अभी एक टोल देंगे यहाँ पे 30 या 70 रुपए का। टोल वाले भाई अपने सब्सक्राइबर ही है, लास्ट टाइम मिले थे हमने, दुआ सलाम किया था हमने। मजेदार ड्राइव यार, इतनी मजेदार ड्राइव ना, रोड्स अच्छे हो गए और भाई साहब इसमें बैठ के तो ऐसा लगता है ना जैसे किंग ऑफ द रोड है भाई, हाईवे या माउंटेन्स भाई, जबरदस्त मजा आता है भाई। यहाँ पे रुके हैं थोड़ा मूत्र विसर्जन करने, हम यहाँ पे थोड़ा मूत्र विसर्जन करेंगे 6 डिग्री में, बहुत सारा पानी पियो ना, तो भाई फॉग नहीं है ना, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है, गाड़ी क्या परफॉर्म कर रही है। भाई थोड़ी देर पहले एक ना पीछे एक्सीडेंट हुआ था, मतलब बाइक था, वो बंदा जो बाइक वाला था उसका हेलमेट खुला हुआ था और पूरा रोड पे ना खून था। हमारे आगे एक गाड़ी थी, मतलब वहाँ पे ना बहुत सारे लोग खड़े थे एंड पीछे फिर एक पुलिस की गाड़ी गई। आई थिंक ही डिडंट सर्वाइव, मतलब इसीलिए कोई भी उसको ना वहाँ पे छेड़ नहीं रहा था एंड हॉस्पिटल के लिए गाड़ी नहीं रोक रहा था। बट यार अगर आप बाइक से ट्रैवल कर रहे हो और इस टाइप से ट्रैवल कर रहे हो ना, तो थोड़ा ध्यान से, क्योंकि कभी भी बीच में अचानक से डिवाइडर था, अगर आप नोटिस करोगे ना डिवाइडर अचानक से, पता नहीं एग्जैक्टली क्या हुआ बट देख के पूरा मूड खराब हो गया। डिवाइडर में ही मेरे हिसाब से पता नहीं यार, सडनली वो टर्न भी था और डिवाइडर भी एकदम से आया था। भाई थोड़ा ध्यान से चलो और बेल्ट वेल्ट, मतलब अपना हेलमेट का जो स्ट्रैप वगैरह है वो ढंग से लगाया करो यार, बहुत मूड खराब हो गया यार देख के ना। मैंने तो मेरे साइड था तो कैमरे में तो उतना नहीं पता चला, मैं तो देखा सामने से। अरे अरे भाई ये क्या हो रहा है आज, आराम से भाई, पूरा अंदर घुस गया भाई। अभी जो आपने दोनों एक्सीडेंट्स देखे ना, उन दोनों में एक सिमिलैरिटी है, दोनों एक्सीडेंट्स ना डिवाइडर्स की वजह से हुए थे और दोनों एक्सीडेंट्स के समय ना कर्व था। तो भाई इससे ये है कि पहाड़ों पे ना डिवाइडर के पास अगर रिफ्लेक्टर नहीं है ना, तो रात के टाइम पे बिल्कुल पता नहीं चलता कि डिवाइडर आ गया, अचानक से आ गया। और जी फिलहाल बाहर का टेम्परेचर हो गया है 3 डिग्री, सॉरी मेरा हाथ थोड़ा हिल रहा है। चाय के साथ कुछ खाने के लिए पूछ लेना। अरे सुना ही नहीं भाई, मंडी पहुंच गए गुरु, हाँ देख रहे हैं यहाँ चाय फाय मुझे मिल जाए। परम नींद से उठ के चाय पीने जा रहा है ना, एकदम अदरक डाल देना कड़क से, साला मुंह के अंदर छान देना ना चाय, इतना गर्म चाहिए। सिगरेट पी रहा है फिर मुंह से धुआं निकल रहा है, ऐसा लग रहा हो कि हम मजाक कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे ठंड है, मतलब नहीं यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड है। एग्जैक्टली हम मजाक कर रहे थे कि यहाँ ठंड है, एक्चुअली बहुत ज्यादा ठंड है। सामने आपको दिख रहा है 0 डिग्री, हाँ और अभी तक तो हम डेस्टिनेशन पे पहुंचे भी नहीं है। ये पहुंच गए हम रेड वाइल्ड एडवेंचर पे, क्योंकि मनाली जब भी आते हैं भैया ये हमारा मंदिर है, हाँ यहाँ पे मत्था टेक के जाते हैं। और ये पहली बार ऐसा है ना कि मैं फॉर्च्यूनर लेके आ रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा संभाल के परम हमें गाइड करेगा और हम धीरे धीरे करके। अरे यार गाड़ियाँ काफी लगी हुई है, हाँ यही भाई का बिजनेस तो एकदम तरक्की पे है, सारी है 4-26, हाँ सारी है 4-26 है ना, कैसे हाथी की तरह इधर उधर डोलते हुए आ रहे। नहीं भाई गुड मॉर्निंग है, गुड मॉर्निंग
नींद तो डिस्टर्ब नहीं किया? नींद तो डिस्टर्ब नहीं किया? मैं उठ गया था आधा घंटे पहले। अच्छा आधा घंटे पहले। क्या दोनों को मजा आ रहा है यार, एक दूसरे से जलन तो नहीं फील कर रहे? आई आई आई। अच्छा वो कह रही है भाई मेरे को ये प्यार कर ले। अपना सामान वगैरह यहाँ से निकालते हैं। यहाँ पे अपन कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए क्यों है, क्योंकि यहाँ पे अपने को करना है एडिटिंग। अब एडिटिंग इसलिए क्योंकि एक दिन व्लॉग नहीं आया था, तो मुझे इतनी गालियाँ पड़ी। तो देखो भाई यहाँ पे ना अपने को नेटवर्क अच्छा मिलेगा नेगी भाई के पास, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे अच्छा नेटवर्क आता है, प्लस नेगी भाई के पास इलेक्ट्रिसिटी है, तो यहाँ पे आराम से हम थोड़ी देर लेटेंगे, मस्त लेमन टी पियेंगे और सुबह का ब्रेकफास्ट करके फिर आगे अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। तो ये थोड़ा सा हॉल्ट है, 12 घंटे की ड्राइव थी, काफ़ी ज़्यादा ड्राइव थी, बहुत ही मज़ेदार ड्राइव थी। एक दो इंसिडेंट्स जो देखा उसको छोड़ के एवरीथिंग वॉज गुड। तो अभी यहाँ पे रेस्ट करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। टिल देन पीस।